Hi, dear friends, we are here to discuss on a very important issue, that what are the books and resources needed to crack the MPSC exam. तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में आप जितना हाई रैंक प्राप्त करेंगे उतना ही संभावना होगी कि आप ऊंचे जो पद हैं वो प्राप्त कर सकें, डिप्टी कलेक्टर, DSP आदि आदि. सो व्हाई द रिसोर्सेज एंड बुक्स आर इम्पोर्टेंट. सो देर आर नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल विद द मध्य प्रदेश, लाइक देर आर नंबर ऑफ बुक्स, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल्स और इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज. But if we talk and if we get the view of the MPSC tower, they always say go for the best available material, go for the best available notes, whether it is offline or it is online. So always, if you want to crack MPSC in top merit, your resource, your book should be standard. They should be, as far as possible, they should be the best available material. So if you pick up the best available material, no doubt your chances of success become great and you will save time. And since your input is too much standard, so you expect your output to be land you in the top 10 or top 20 post of MPPSC. So before starting the topic, I would like to share with you ki we are going to start the batches for UPSC and MPPSC. They are 1 year, 2 year and 3 year integrated courses which covers the prelims, the mains and the interview. So if you want to get success in the competitive exams in the field of civil services, you should join our batches. And there is a state of art facility in Unique IAS Study Circle. So it's very crucial, since books and resources are the important input. So always go for the standardized books like the NCERT books for the polity, for the economics, for the geography related portion. जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें तो प्रयास करें कि एक बार थोड़ा सा NCERT बुक्स को आप देखें, उससे आपको फायदा मिलेगा. एंड द पर्सनलाइज्ड नोट्स ऑफ यूनिक IAS आर वेरी हेल्पफुल टू गिव यू टू प्रमोट यू हाई रैंक इन मेरिट. फॉर MPPSC, the books and resources I will discuss module wise. तो हम मॉड्यूल वाइज अब डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक्स एंड रिसोर्सेज आपको फॉलो करना है. तो सबसे पहले हम उठाते हैं MPGK पोर्शन ऑफ MPPSC. आपको पता ही है कि प्रिलिम्स में जो MPGK है, करीब 100 में से 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं MP पोर्शंस. और सिमिलरली इन मेन्स ऑल्सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल. So for MP, following are the books like you should go for the Madhya Pradesh Hindi Granth Academy. ये मध्य प्रदेश में भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी है, उसके मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत से पब्लिकेशंस हैं, आप उनको देखिए. एंड अभी मैं आपको उनके इमेजेस भी दिखाऊंगा. देन गूगल सर्चेस के लिए आप जो भी MP से रिलेटेड स्टैंडर्ड ब्लॉग्स हैं, वी लॉग्स हैं. एंड फॉर MP पोर्शन, आपको MPGK पोर्शन यूनिक IAS स्टडी सर्किल का बहुत ही स्टैंडर्ड मॉड्यूल है MPGK पे. इट कवर्स ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड विद MP. सो एंड जो टाटा मैग्रहिल पब्लिकेशन है, उनके भी बड़े अच्छे पब्लिकेशन है MP पे, लाइक मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज, लाइक मध्य प्रदेश एक परिचय. एंड मध्य प्रदेश का एक इकोनॉमिक सर्वे आता है विच इज़ पब्लिश एवरी ईयर. सो दिस गिव्स ए स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द करेंट आस्पेक्ट ऑफ MP. तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको जो है, जो मैंने ऊपर रिसोर्सेज बताए, उसके अलावा यू शुड ऑल्सो गो फॉर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ MP, लाइक 1920, 2021, ऐसे हर साल ही आता है इकोनॉमिक सर्वे. एंड कुछ मैगजीन्स का भी आप हेल्प ले सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा देखिए आप. एंड फॉर MP जो करेंट अफेयर्स हैं, यू गो शुड गो फॉर द लोकल गुड पेपर्स लाइक दैनिक भास्कर, लाइक नव दुनिया, लाइक पत्रिका फॉर द लोकल न्यूज़,
ये देखते रहिए, इससे आपको एमपी से रिलेटेड पोर्शन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। सो अमंग बुक एंड रिसोर्सेज अभी हमने पहला मॉड्यूल कंप्लीट किया है कि एमपी से रिलेटेड आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब हम आते हैं एमपी में, क्योंकि देर आर गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन इन हिस्ट्री, तो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट बुक्स एंड रिसोर्सेज यू शुड गो फॉर एमपी पीएससी। तो एमपी पीएससी में इंडियन हिस्ट्री पोर्शन की अगर हम बात करें तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न। सो फॉर एंशियंट, सबसे पहले तो आप आर एस शर्मा जो एंशियंट इंडिया है एनसीईआरटी उसको जरूर देखें, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन आर डायरेक्टली आस्क्ड। देन जो मेडिवियल इंडिया बाई सतीश चंद्र है, ये दिस इज़ अ वेरी यूजफुल बुक फॉर एनसीईआरटी, इसको देखिए। एंड नो डाउट पर्सनलाइज नोट्स ऑफ यूनिक आईएएस आर अवेलेबल इन ऑल द सेक्शंस ऑफ हिस्ट्री, लाइक द एंशियंट हिस्ट्री, लाइक द मेडिवियल हिस्ट्री, लाइक द मॉडर्न हिस्ट्री, लाइक द वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड द थिंग्स ऑफ हिस्ट्री आर डिस्कस्ड इन ए वेरी साइंटिफिक वे, लॉजिकल वे, विद ऑल ग्राफिक्स, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। एंड फॉर मॉडर्न इंडिया यू शुड गो अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, यू शुड गो फॉर अदर स्टैंडर्ड मटीरियल लाइक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाई स्पेक्ट्रम इज ए वेरी गुड रिसोर्स फॉर दैट। और इंडियन कल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं एमपी में, तो उसके लिए आप नितिन सहानिया देखें, बहुत अच्छी बुक है वो। एंड अब हम बात करते हैं, अभी हमने दो मॉड्यूल देखे, एक तो एमपी जी के और हमने देखा इंडियन हिस्ट्री के लिए, अब क्या देखें। देन थर्ड मॉड्यूल आता है इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इनसे रिलेटेड बातें। सो अगेन यू शुड गो फॉर द एनसीईआरटी बुक्स, एंड अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स देर इज़ अ वेरी गुड बुक ऑन फिजिकल ज्योग्राफी, गो चेंग लॉन्ग, इसको आप देखें, बहुत इसको फ़ायदा मिलेगा। एंड द बुक ऑफ माजिद गुसैन इज़ ऑल्सो गुड ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी। देर आर स्पेशल मॉड्यूल्स ऑफ स्पेशल नोट्स ऑफ यूनिक आईएएस, लाइक देर आर टू नोट्स, टू मॉड्यूल्स, वन इज़ ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड अनदर इज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, तो ये भी आपको बहुत मदद करने वाले हैं। अब हम आते हैं इंडियन पॉलिटी सेक्शन के लिए, आपको क्या देखना है। आपको पता ही है देर गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन आज इन इंडियन पॉलिटी इन एम पी इन प्रीलिम्स, इवन यू कैन एक्सपेक्ट 20-25 मार्क्स इन मेन्स, यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 125 to 150 मार्क्स ऑलमोस्ट इन मेन्स फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। अब एग्जैक्टली तो स्पीकिंग देर इज़ नो बुक ऑन एम पी पॉलिटी, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है आप सबसे पहले तो एन सी आर टी की पब्लिकेशन देखें। देन देर इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड बुक इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, आप उसको देखें। एंड द मॉड्यूल्स ऑफ यूनिक आई एस आर जस्ट अमेजिंग, देर इज़ ए मॉड्यूल ऑन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देर इज़ अनदर मॉड्यूल ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो यूनिक आईएएस के मॉड्यूल हैं, इसमें एक तो है पूरा केंद्रीय प्रशासन से संबंधित और एक है पूरा राज्य प्रशासन से संबंधित, तो ये एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटी को कवर करने वाला है, तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इफ़ यू अराइव ऑन इकोनॉमिक्स, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन आर आज इन इकोनॉमिक्स, अगेन गो फॉर द एनसीईआरटी बुक्स, ऑल विकीपीडिया सर्चेज। देन इंडियन इकोनॉमी बाई रमेश सिंह और से मिश्रा एंड पुरी, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नोट्स ऑफ यूनिक आई एस आर अवेलेबल, पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरन ट्रेड कवर करते हैं, प्लान, एग्रीकल्चर, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, एक्सलेंट बुक्स। फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगेन यू गो फॉर एन सी आर टी एंड सम मॉड्यूल्स, रिलेवेंट मॉड्यूल्स। एंड देन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसमें शंकर आई एस अकेडमी की बुक बहुत अच्छी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ द बुक ऑफ शंकर आई एस, इज़ वेरी गुड बुक। एंड द नोट्स ऑफ यूनिक आई एस ऑन एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, दो अलग अलग मॉड्यूल हैं, दे आर वेरी वेरी हैंडी। एंड जहाँ तक हम करेंट अफेयर की बात करते हैं, तो एम पी से रिलेटेड करेंट अफेयर तो आप समझ ही गए कि आप जब लोकल न्यूज़ पेपर पढ़ेंगे सो दैट थिंग विल बी कवर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको करंट अफेयर के लिए आप एक काम करिए कि इस तरह से करंट अफेयर बनाइए कि एक पूरा नेशनल अफेयर का एक पूरा सेगमेंट बनाइए, एक बनाइए इंटरनेशनल अफेयर का और एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का, एंड लास्ट वन एंड ए हाफ ईयर में जो भी इंपॉर्टेंट घटा है नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उसको आप अलग अलग कंपाइल कर लीजिए। सो इन यूनिक आईएएस वी हैव स्पेशलाइज मॉड्यूल ऑन नेशनल अफेयर, स्पेशलाइज मॉड्यूल ऑन इंटरनेशनल अफेयर, इसमें पूरा 1.5-2 साल का पूरा कवर मिलता है आपको, एंड अनदर स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल ऑन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस।
और जहाँ तक हम एमपीपीएससी में, एक और बात अगर हम एक बात करें कि एक सी सैट का जो पेपर होता है जिसको एमपीपीएम कहते हैं, जीएटी दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको जनरल स्टडीज पेपर टू भी कह सकते हैं। एंड इन दिस देर आर क्वेश्चंस ऑन लोकल लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल डिसीजन मेकिंग। तो नॉर्मली एमपी में मैथमेटिक्स से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जीएटी में, और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, 40% मार्क्स जो हैं इसमें लाने पड़ते हैं। तो इसमें जो है लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिक एबिलिटी के लिए आप RS अग्रवाल देख लें, जो एस चांद पब्लिकेशन की है, और साथ साथ आप डिसीजन मेकिंग वगैरह में आपको आप स्टैंडर्ड बुक्स में जो एडिटोरियल दिए होते हैं ना द हिंदू में, उसी से एक क्वेश्चंस पिकअप कर लेते हैं, वो सिचुएशन पिकअप कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। देन एमपीपीएससी मेंस में जो GS4 है दैट इज़ ऑन एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एमपीपीएससी में GS4 जो है वो होता है जो एथिक्स है, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। तो इसके लिए सुब्बा राव एंड PN रॉय चौधरी की बुक्स बहुत अच्छी हैं, एंड द स्पेशलाइज नोट्स यूनिक IAS के एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के अवेलेबल हैं, दे आर वेरी हैंडी। और MPPSC में एक अच्छी बात है कि देर इज़ नो ऑप्शनल पेपर, तो आपको उसके लिए ज़्यादा वरी नहीं करना। और MP में जब आप मेंस में अपने आंसर लिखते हो तो टू गिव एन एडिशनल एज टू द आंसर, आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट हमेशा देख के जाएँ, जिससे आपके आंसर में आपको सजेशन देने में, वे फॉरवर्ड देने में आपको बहुत आसानी होगी। और नीति आयोग का जो एक्शन एजेंडा है नीति आयोग का, वो जरूर पढ़िए, उससे आपका मेंस का आंसर राइटिंग अच्छा होगा। प्रीलिम्स में उतना फ़ायदा भले ही एक बार ना हो, मेंस में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। देन फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप इकोनॉमिक सर्वे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट देखिए, एंड द फाइनेंस कमीशन लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो देखिए। तो इस तरह से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और MPGS में जो MPGK को छोड़ दें तो उसके अलावा जो पोर्शन होता है उसमें जो करंट अफेयर होते हैं उसमें आपको पेपर, हिंदू पेपर बहुत स्टैंडर्ड है, आपको मदद करेगा। एंड योजना मैगजीन बहुत मदद करेगी, एंड PIB की जो पब्लिकेशंस हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, को ये बहुत मदद करेंगे। इस तरह से होता है योजना। एंड गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा MP में कई चीज़ों को कवर करती है। आई एम नॉट सेइंग कि MP स्पेसिफिक है वो, बट इन जनरल MP में जो GS पूछा जाता है उसको बहुत अच्छा वो कवर करती है। और एक चीज़ और, जब वैन यू प्रिपेयर फॉर MPPSC, सो प्रिलिम्स इज नॉट द ओनली थिंग, प्रिलिम्स इज ओनली यू हैव टू क्वालिफाई। इन मेन्स, इन MPPSC मेन्स देर इज अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी आपकी नॉलेज होना चाहिए। तो फॉर दैट जो है देर आर नंबर ऑफ वेबसाइट लाइक NCERT.NIC, देन PRSIndia.org, ये पॉलिटी रिलेटेड मेटल्स के लिए है, फॉर ट्रैकिंग द रिसेंट बिल्स इन द पार्लियामेंट, एंड PIB.NIC यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट, योजना, देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो बर्निंग इश्यूज़ होते हैं उनसे रिलेटेड आपको ब्लॉग्स देखने पड़ते हैं। तो यूनिक IAS के ऑलमोस्ट जितने भी बर्निंग टॉपिक्स हैं उस पर आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, तो वो आपको पूरा मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत मदद करने वाले हैं। एंड इन यूनिक IAS ऑल्सो वी हैव द वी लॉग्स, मतलब करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी नेशनल या इंटरनेशनल अफेयर है उनसे रिलेटेड बहुत ही अच्छे वीडियोज़ हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो ये भी आप देखिए, आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। एंड वट एवर मटीरियल आई हैव सजेस्टेड यू, यू दिस मटीरियल विल सर्टनली सिनर्जाइज योर नॉलेज, योर एफर्ट, योर आउटपुट, एंड यू विल बी एबल टू लैंड कंफर्टेबली हाई इन द मैरिट। सो फ्रॉम माई साइड All the best to you for your success and for your goals in your life. Thank you very much. Friends, I hope you have liked this video. Kindly share and subscribe it. Thank you very much.